नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना। बस आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से लोगों को शेयर भी करें। यही आपसे मेरा छोटी सी दरख्वास्त है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियोज में भारत सरकार की योजनाओं के बताया, ग्रामीण योजनाओं के बताया, अब मैं बात कर रहा हूँ भारत सरकार की पर्यटन संबंधी योजनाओं के बारे में। अगर मैं पर्यटन की बात करूं दोस्तों, तो पर्यटन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए। पर्यटन आपको रोजगार देता है, पर्यटन आपको विदेशी मुद्रा भी देता है, पर्यटन से आपको कहीं ना कहीं उस जगह का विकास में, आधारभूत विकास में भी हेल्प मिलती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण पर्यटन को बहुत ज्यादा तरजीह दी गई है हमारे इस पूरे की पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं पर्यटन संबंधित योजनाओं की, तो भारत की तीन बड़ी योजनाओं के बारे में भी इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। पर देखिए, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, विश्व में सेवा क्षेत्र में 35% हिस्सा पर्यटन से आता है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट, कितना प्रतिशत हिस्सा अकेले पर्यटन के। कई देश की इकोनॉमी तो कहीं ना कहीं पर्यटन के ऊपर ही बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं थाईलैंड की बात करूं, तो वहां की जो इकोनॉमी है वो पर्यटन के ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड है। सिंगापुर की बात करो तो पर्यटन बहुत ज्यादा बेस्ड है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग वहां जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे आधारभूत सुविधाएं अगर उनको पर्यटन मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं देश की समृद्धि में ये बहुत हेल्प करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने तीन बड़ी योजनाएं पर्यटन आधारित लॉन्च की हैं, जिनको मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं। सबसे पहली योजना अगर मैं बात करूं, देखिए ये तीनों योजनाएं पर्यटन विकास के लिए हैं। किसके लिए दोस्तों? पर्यटन विकास के लिए। जैसे पहली योजना की बात करूं तो इस योजना में स्वदेश दर्शन, ठीक है, ये थीम बेस पर्यटन सर्किट से संबंधित है। थीम बेस मतलब कि जैसे कृष्णा सर्किट की बात करें तो कृष्ण से संबंधित जितनी भी जो भी जिले हैं वहां पे इनके दर्शन की बात की जाती है। तो धर्म दोस्तों, जब भी थीम बेस की बात होगी तो कहीं ना कहीं वह सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और पर्यावरण टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो भारत सरकार की स्वदेश योजना के तहत, ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत 5 सर्किट बनाए गए। कौन कौन सर्किट है वो? एक है बुद्धिस्ट सर्किट, एक है हिमालयन सर्किट, एक है तटीय सर्किट, एक है कृष्णा सर्किट, एक है पूर्वोत्तर सर्किट। तो आप देख सकते हो पूरे भारत को इसमें कवर कर लिया गया। तो अगर मैं नॉर्थ इंडिया में जाऊं तो ऑब्वियसली हिमालयन सर्किट की बात हो रही है, बुद्धिस्ट सर्किट, समेरेंस, गया, इनकी बात हो रही है। ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ, थोड़ा साउथ की तरफ। ठीक है, तटीय सर्किट प्योर साउथ में हम जा रहे हैं। कृष्णा सर्किट, ये हमारे पूरा जो सो कॉल्ड एरिया है यूपी का, वो इसमें कवर हो रहा है। पूर्वोत्तर सर्किट में हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रहे हैं, वहां के मनोरम दृश्यों की बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों, यहां से 4 तरह के जो पर्यावरण सो कॉल्ड टूरिज्म के हैं वो बेनिफिट्स निकल के आते हैं। इससे ऐतिहासिक बेनिफिट है, इससे आध्यात्मिक बेनिफिट है, इससे कहेंगे आपके सांस्कृतिक बेनिफिट है और पर्यावरण टूरिज्म को भी बेनिफिट मिलता है। अब इसके लिए क्या कहा है भैया, ये जो योजना है स्वदेश दर्शन, ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड योजना है। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? आधारभूत अवसंरचना का विकास। देखो मैं तीनों जो जगह पे आधारभूत अवसंरचना की बात करूंगा। यहां पे क्या होता है आधारभूत अवसंरचना में, कि उस जगह पे लाइट की सुविधा हो, पानी निकासी की सुविधा हो, बेसिक फैसिलिटी की सुविधा हो, इंटरनेट की सुविधा हो, जो भी आधारभूत चीजें हैं जो कि एक पर्यटक चाहता है, वो सारी फैसिलिटी वहां मिले, हाइजेनिक फूड मिले, ये सब कुछ क्या है आधारभूत सुविधाओं की बात होती है। तो कहीं ना कहीं आधारभूत सुविधाओं की अभिनव विकास होगा। समुदाय आधारित विकास, किसी पर्टिकुलर समुदाय के रोजगार संबंधित अगर मैं आयामों को पूरा करूं तो कहेंगे उनका भी विकास होगा। स्थानीय लोगों को लाभ की जागरूकता करने के लिए इसमें बात की गई है। स्थानीय कला, हाथ से बने सामान, खाना आदि को रोजगार
सृजन में बढ़ावा देने की इसमें बात की गई है। पर्यटकों के लिए अनुभव कि अगर पर्यटक वहां आए तो वो पूर्ण रूप से उस जगह का मजा ले, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों ध्यान रखना ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड स्कीम है, अर्थात केंद्र सरकार की वित्त पोषित योजना है। तो पहली है स्वदेश योजना, मैंने बताया 5 सर्किट है इसमें, कौन कौन से, बुद्धिस्ट, हिमालयन, तटीय, कृष्णा और पूर्वोत्तर सर्किट, 5 सर्किट बांट के वहां पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। दूसरा है दोस्तों प्रसाद योजना। प्रसाद योजना की बात करूं तो ये तीर्थ स्थलों से संबंधित योजना है और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की ये योजना है। प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रीजेनोवेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑग्यूमेंटेशन ड्राइव, ठीक है, ये तीर्थ और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की ये योजना है, अर्थात घरेलू पर्यटन को विकास की ये योजना है। इसके तहत 12 तीर्थ स्थलों का चयन किया गया है। 12 तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? अमरावती आंध्र प्रदेश, गया बिहार, द्वारका गुजरात, अमृतसर पंजाब, अजमेर राजस्थान, कांचीपुरम तमिलनाडु, वेलंकनी तमिलनाडु, पुरी ओडिशा, वाराणसी यूपी, मथुरा यूपी, केदारनाथ उत्तराखंड और कामाख्या का माता का मंदिर असम। तो ये 12 जगहों पर केंद्र सरकार ने चयन किया है 12 तीर्थ स्थलों का, वहां पर आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। फिर से कह रहा हूं आधारभूत सुविधाओं की अगर बात करूं तो ये आती हैं, आधारभूत सुविधाएं कौन सी हैं, जल आपूर्ति संबंधित, बिजली आपूर्ति संबंधित, हाइजीनिक कंडीशन संबंधित, यहां पे बात आती है सड़क निकासी, प्रकाश, ये सब कुछ आधारभूत सुविधाओं में आता है दोस्तों। तो वहां पे ये आधारभूत सुविधा पर्यटकों को मिले इस बात का ध्यान रखा गया है। तीसरी बात करें हृदय योजना, यह भी योजना है कुछ हमारे हेरिटेज से रिलेटेड, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने संबंधी रिलेटेड। इसका अगर फुल फॉर्म बात करें हृदय योजना की तो उसका फुल फॉर्म है हेरिटेज, HR से हेरिटेज आता है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना, हेरिटेज सिटीज डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना। दोस्तों इसके लिए भी 12 शहरों का चयन किया गया, लगभग यही वो 12 शहर है, लगभग एक दो को छोड़ के, अजमेर, अमृतसर, अमरावती, देख लिया आप, अजमेर भी यहां था, अमृतसर भी यहां था और अमरावती भी यहां था, तीनों वहां गए। बादामी यहां नहीं था, बादामी इसमें एक्स्ट्रा है। द्वारका, गया, द्वारका भी यहां था और गया भी कहीं ना कहीं यहां था। कांचीपुरम, कांचीपुरम भी यहां था, वहां पर भी है। पुरी भी यहां था, वहां पर भी है। मथुरा भी यहां था, वहां पर भी है। वाराणसी यहां था, वहां पर भी है। वेलंकनी वहां पर भी था, यहां पे भी है। बस यहां पे एक एक्स्ट्रा है, वो है वारंगल और यहां पे कामाख्या नहीं है। बस तो ये 12 शहर हैं जो कि कहीं ना कहीं हेरिटेज या ऐतिहासिक के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत की विरासत के रूप में इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि भारत के जो विरासत शहर है यहां पे आधारभूत सुविधाएं पर्यटकों को मिले, इसी आधार पर यह योजना शुरू की गई है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि नगरीय प्रशासन जो है कई बार चीजें प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता, इसीलिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। यह भी 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसके लिए अभी तक 240 करोड़ रुपए रिलीज किया जा सकता है चुका है इन जो जिलों को या इन जगहों को संवारने के लिए। हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग हर एक सिटी को अपना हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान सबमिट करना था, उसके अकॉर्डिंग ही यहां पे डेवलपमेंट होना था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के तहत इस समय एक सचिवालय बनाया गया जो इस मामलों की निगरानी कर रहा है। 2014 से 4 सालों तक ये योजना चलेगी, मतलब 2018 में ये योजना खत्म होने वाली है।
और अगेन इस योजना का एक ही लॉजिक है, इन स्थानों पर आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाना। तो इस तरह हमने तीन योजनाएं बनी, एक स्वदेश दर्शन जिसमें 5 सर्किट है, दूसरा आपके प्रसाद योजना और तीसरा हृदय योजना। ठीक है, ये सभी का अगर लॉजिक देखें तो एक ही लॉजिक निकल के आता है, पर्यटन को बढ़ावा देना जिसके कारण एक तो आय की प्राप्ति हो, विदेशी आय की प्राप्ति हो, प्लस रोजगार की समस्या जो भारत में एक विकराल रूप लेती जा रही है उसका भी कहीं ना कहीं समाधान निकले। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल थ्री पर्टिकुलर स्कीम। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे, आ रहे हैं तो दोस्तों एक छोटा सा लाइक तो बनता है, और जो हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं ज्यादा से लोगों तक आगे आप भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतने काफी है, थैंक यू सो मच।